हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल पार्क, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत एक टॉपिक था, क्या था? नेशनल पार्क। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी यानी अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है, इनसीटू कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि स्व स्थाने जो संरक्षण की विधि है उसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में। आज का अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, इनसीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कौन बताएगा मुझे कि अभयारण्य क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होती है? कल मैंने नेशनल पार्क बताया था। नेशनल पार्क में हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट स्पीसीज होती है, कुछ एनिमल स्पीसीज होती है, उनको संरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि पशु चारण वगैरह, लकड़ी काटना, टिम्बर कलेक्ट करना। वही अभयारण्य क्या होते हैं, कौन बताएगा? सेंचुरी क्या होती है? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये तो ठीक ही ठीक है। उसके अलावा भी एक चीज है जो आप लोगों ने नहीं बताई, वो मैं बताती हूँ। देखो, जो सेंचुरी होती है यानी कि अभयारण्य, ये क्या होते हैं? ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं किसके द्वारा अधिसूचित? शासन, सरकार द्वारा अधिसूचित, ठीक है। ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उसमें क्या था, अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि क्या, पशुचारण, ठीक है, जैसे कि क्या, पशुचारण, ठीक है, पशु को चराना प्लस कटाई करना, ठीक है, लकड़ी को कटाई करना, ठीक है, कुछ लकड़ियां एकत्रित करना, पशुचारण, ठीक है, लकड़ी को क्या, एकत्रित करना, ठीक है, टिम्बर कलेक्ट करना, यानी कि कुछ मानवीय गतिविधियों की इसमें क्या होती है, अनुमति होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक चीज और है, ठीक है, वो उससे अलग है नेशनल पार्क से, क्या है ये, क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी भी एक प्रजाति के लिए विशिष्ट रूप से ये तैयार होते हैं, यानी कि किसी एक या एक से अधिक प्रजातियों के लिए ये क्या होते हैं, मतलब निर्धारित होते हैं कि उनमें उन्हीं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य के बारे में? नौरादेही किस जिले में है? सागर जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, एक नौरादेही अभयारण्य है, नौरादेही, ठीक है, ये कहाँ पर है, सागर में है, ठीक है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काई के लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय, नीलगाय को संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि ये क्या होते हैं, किसी प्रजाति के लिए, ठीक है, विशिष्टीकृत होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वहां पर उस प्रजाति को ज्यादा संरक्षण प्रदान किया जाना है, ठीक है। ये अंतर होता है क्या अभयारण्य और नेशनल पार्क में, ठीक है। जो हमारे अभयारण्य होते हैं, सेंचुरी होती है, ये क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, किसी एक विशिष्ट प्रजाति के लिए ये संरक्षित एरिया होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मानवीय क्रियाकलापों की क्या होती है, अनुमति होती है, जैसे टिम्बर लकड़ी वगैरह कलेक्ट करना, जैसे आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, लकड़ियाँ बीन सकते हैं, ठीक है, आदिवासी लोग वहाँ जा सकते हैं, पशु को चरा सकते हैं, उनमें क्या, सेंचुरी यानी अभयारण्य में अनुमति होती है। हमारे भारत में बहुत सारे अभयारण्य, ठीक है, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण अभयारण्य है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, उनको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभयारण्य बताएंगे ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी और भी आएगा, हॉटस्पॉट भी आएंगे, एक एक करके पढ़ते हैं, नहीं तो इकट्ठा पढ़ लोगे तो भूल जाओगे सब, घोच पोच हो जाएगा, ठीक है, मिक्स। अब देखो क्या है अभयारण्य, अभयारण्य क्या होते हैं, एक प्रकार के संरक्षित एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें हम किसको संरक्षण प्रदान करते हैं, फ्लोरा और फौना। कल मैंने ये टर्म बताया था, फ्लोरा एंड फौना, बताइए आप फ्लोरा क्या होता है एंड फौना क्या होता है। हाँ, कल आए होते हो, ये भी नहीं आए कल, ये सोच रहे होंगे हम इससे पढ़ लेंगे, ये तो डली है, लेकिन है ना, फ्लोरा और फौना ये नहीं पता ना क्या होता है। फ्लोरा जो होता है वो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, और फौना जो होता है वो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, तो ऑल जो प्लांट है उनके लिए हम फौना टर्म यूज कर लेते हैं, और एनिमल से रिलेटेड क्या टर्म यूज कर लेते हैं, फौना, याद रखना, ठीक है। तो अभयारण्य क्या होते हैं, एक प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पर किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, जीवों को, ठीक है, जीवों को, प्लांट एनिमल बोथ आ गए इसमें, ठीक है, लिविंग, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ दुर्लभ प्रजाति के जो वन्य जीव होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, उनको संरक्षित रखा जाता है, ठीक है, अभयारण्य में। अब ये जो अभयारण्य है ना, सेंचुरी है, इनको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जैव विविधता है ना, उसको
नष्ट होने से बचाना। हमने बायोडायवर्सिटी पढ़ा था, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जीवों की पाई जाने वाली विविधता, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, ठीक है। तो इस विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए ही ये जो अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, वो क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रिसर्च वगैरह, रिसर्च होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि रिसर्च की भी अनुमति होती है, ठीक है, हम रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्तमान में, तो हमारे देश में वर्तमान में कितने अभयारण्य स्थापित हैं, 567, यानी कि 567, ठीक है, लगभग वो बढ़ते रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सरकार होती है वो अधिसूचना द्वारा क्या कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को, कोई भी संरक्षित क्षेत्र हो, उसको अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर सकती है। एक चीज बताओ, कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, जैसे ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, और ये क्या है, एक सेंचुरी है, यानी कि एक अभयारण्य है, ठीक है, ठीक, ये एक अभयारण्य है और ये क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो सरकार जो है नेशनल पार्क को सेंचुरी में स्थापित कर सकती है क्या, बताओ, या फिर सेंचुरी को नेशनल पार्क में स्थापित कर सकती है, कोई सेंचुरी पहले थी, सरकार उसको नेशनल पार्क में बदल सकती है क्या, और क्या नेशनल पार्क को वापस सेंचुरी में बदल सकती है क्या, नहीं। तो ये क्या है, रॉन्ग है, याद रखना कि जो सरकार होती है, ठीक है, कोई भी राज्य की सरकार होती है, वो क्या कर सकती है, किसी भी अभयारण्य को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकती है। जो कुरो नेशनल पार्क है ना, पहले वो क्या था, एक अभयारण्य था, क्या था, एक अभयारण्य था, हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है ना, श्योपुर में, मध्य प्रदेश के कहां, श्योपुर में, मध्य प्रदेश के कहां, श्योपुर में, जो हम पढ़ते हैं कौन सा, कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, जहां पर 17 सितंबर को सबसे पहले कहां से, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए थे, कितने चीते लाए गए थे, 8, जिसमें से 5 क्या थी, फीमेल थी, और 3 क्या थे, मेल थे। उसके बाद फरवरी में भी लाए गए, ठीक है, ये कब लाए गए थे, 2022 में, 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे। अभी 17 सितंबर को ही क्यों लाए गए, क्योंकि उस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या है, बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे था, ठीक है, तो उस दिन 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। तो ये कहां लाए गए थे, नेशनल पार्क जो है ना, कुनो नेशनल पार्क, वो पहले क्या था, अभयारण्य था, तो उस अभयारण्य का कुछ हिस्सा जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, नेशनल पार्क में। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जो सरकार है वो किसी भी अभयारण्य को किसमें कन्वर्ट कर सकती है, नेशनल पार्क में, लेकिन नेशनल पार्क को पुनः अभयारण्य में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये पूछा जा सकता है, कभी भी वो पूछ भी लिया गया है कई बार ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और अभी ऐसा हुआ है तो इसलिए हो सकता है डबल से पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें भारत पे हमने कितने जो सेंचुरी थी, कितनी देखी थी, 560, ठीक है, और हमने नेशनल पार्क कल कितने देखे थे, 106 नेशनल पार्क देखे थे, ठीक है। लास्ट नेशनल पार्क कौन सा था, 106वां, रायमोना, और रायमोना कहां पर है, असम में, ठीक है, पढ़ लेना, कल हमने सब बताया था, ठीक। अभी कितने हैं, सेंचुरी कितनी है, 567। अगर हम देखें सबसे बड़ा जो अभयारण्य है, सबसे बड़ी सेंचुरी हमारे देश की कौन सी है, गुजरात में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ का जो रन है ना, रन ऑफ कच्छ, वहां पे किसको संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है, जंगली गधों को, किसको, जंगली गधों को, याद रखना, जो जंगली गधा अभयारण्य लिखा है ना, रन ऑफ कच्छ कच्छ में है, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, तो वहां पर जंगली गधों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सेंचुरी स्थापित की गई है। मैंने बताया था ना कि जो अभयारण्य होते हैं वो क्या होते हैं, किसी प्रजाति विशिष्ट होते हैं, ठीक है, किसी एक प्रजाति या एक से अधिक प्रजाति विशिष्ट होते हैं। तो जो रन ऑफ कच्छ है कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, और वो किसके लिए स्थापित किया गया है, जंगली गधों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है, ये वाइल्ड आस सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली, आस मतलब गधा, और अभयारण्य मतलब सेंचुरी, क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड आस सेंचुरी, ठीक है। और ये कितने के एरिया में स्थापित है, 4954 किलोमीटर का जो एरिया है ना, उसमें स्थापित किया गया। आपको एरिया याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है सबसे बड़ा जो अभयारण्य क्या है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के क्षेत्र में है, क्या इसमें किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, जंगली गधों को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
और वही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान क्या था, मैंने बताया था, नौरादेही, नौरादेही सागर जिले में, ठीक है, याद रखना, जिसमें किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, नील गाय को, ठीक है। अब हम अपने देश के क्या पढ़ रहे हैं, कुछ सेंचुरी यानी अभियान पढ़ रहे हैं, और वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हमने क्या देखा, 567, लेकिन इतने हमको नहीं रटने हैं, हमको क्या याद कर रहे हैं, जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ठीक, ये कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। आपको सिर्फ नाम याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए कि ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। सेकंड क्या है, उदंती जंगली बफेलो, ठीक है, इसमें जो उदंती है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मैन, ठीक है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके हिंदी इंग्लिश में यही नाम है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, मेनली जो वाइल्ड बुफेलो होती है ना, जंगली भैंस, ठीक है, हाँ, भैंसों को, ठीक है, वाइल्ड बुफेलो, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पहले क्या था, हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कब पृथक किया गया, अच्छा बताओ, हाँ ठीक है, 2000, ठीक है। तो आपको सेकंड क्या है, उदंती वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड जो सेंचुरी है, बुफेलो सेंचुरी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। इसमें किसको संरक्षण मेनली प्रदान किया जाता है, जो जंगली जो, ठीक है, भैंसे होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। उसमें हंसने की क्या बात है, अब किया जाता है तो किया जाता है, सब जरूरी है ना, हमने बताया था ना, हमारे जो इको सिस्टम है उसमें सबकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्या है, मैडी, मैडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, क्या मैडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा, याद रखना है, ठीक है, मैडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गोवा में। मैंने कुछ ही लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे, कुछ ही हैं, लेकिन जो लिखे हैं ना आपको रट रहे आने चाहिए, इनमें से पूछे जाते हैं। मैडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। अगला क्या है, वही जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है, मैंने बताया था जंगली गधों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ अभियान स्थापित किया गया है, कच्छ के रन में, गुजरात में, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक तो क्या है, सबसे बड़ा है हमारे भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, अभयारण्य है, ठीक है। अगला क्या है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम यही है, हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या, भिंडावास, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात, ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई उधर नहीं देखेगा, सब लोग मेरी साइड देखो। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। भिंडावास कहाँ पर है, आपने इधर देखा ना, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा, ठीक है। उसके बाद जंगली गधों को संरक्षण कहाँ प्रदान किया जाता है, गुजरात में, ठीक है, चलो कर लो नोट जल्दी से। हाँ क्या, वन्य जीव अभयारण्य, तो वो भी एक ही बात है, हाँ एक ही चीज है, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई, इसलिए लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ही चीज है, हो गया। इसके बाद एक देख लो, एक और देख लो, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा, फाकिम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है शायद, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, नागालैंड में। कहाँ पर है ये, नागालैंड, ठीक है, ये एक दो साल के एग्जामों में पूछी गई सब सेंचुरी है, ठीक है, इसलिए नोट कर लेना, क्या, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फाकिम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये नागालैंड में, हो गया, चेंज कर दूं, अब देखो ये क्या है, आपको दिख रहा है केन, केन वन्य जीव अभयारण्य, केन अभयारण्य, केन सेंचुरी, ठीक है। आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा केन, सोन, चंबल, सुना है इनके बारे में, हाँ, तो इसमें किसको संरक्षण प्रदान करने के लिए मेनली स्थापित की गई है, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ठीक है, हाँ। चंबल तो आप लोगों के पास ही है, आप लोग कौन, किस किसने देखा है चंबल सेंचुरी को, कोई नहीं गया, मुरैना में ही तो है, हाँ, देवरी में है ना, मुरैना जिले के अंतर्गत जो देवरी है उसमें रोड पे ही तो है, रोड के पास किनारे ही है, हाईवे पे, ठीक है, देख आना, अब की जब जाना ना उधर से निकलना तो देख के आना, हाँ ठीक है, चलो। तो क्या है, केन, कौन सा है, केन अभयारण्य, ठीक है, केन अभयारण्य कहाँ पर है, हमारे
मध्य प्रदेश में, ये तीनों जो अभयारण्य है ना मध्य प्रदेश के, कौन सा, केन, सोन और चंबल, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए, क्रोकोडाइल को संरक्षण प्रदान करने के लिए। वो अलग है, वो चिड़िया का अलग है, करेरा घाटी गांव वो अलग है। अभी ये हाँ बंद हो गया। हाँ हाँ क्रोकोडाइल घड़ियाल दोनों ही उधर, ठीक है। एलिगेटर, एलिगेटर क्रोकोडाइल दोनों के लिए ही है, ठीक है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट अभी पढ़ाऊंगी आपको, कल बताऊंगी तब उसमें अच्छे से और बताऊंगी। अभी नाम देखो इनके, क्या केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, मुरैना में है। इसमें घड़ियाल मगरमच्छ इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, पहले मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। एक क्या है, चंबल, कौन सा है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। हाँ तीनों मुरैना में भी है, तीसरा भी पढ़ेंगे मुरैना में, ठीक है। हाँ देखो ये कहाँ पर है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एंड ये दर्द आपको दिख रहा है, सोन, ठीक है, सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पर है हमारा, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, मैं बता रही हूँ। आप अभी स्टेट याद करते जाओ कि ये कहाँ है, केन, सोन और चंबल, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एक और नोट कर लो, मैंने बताई थी नौरा देही, नौरा देही क्या है, सागर में, वो भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नौरा देही मध्य प्रदेश, ऐसे नोट कर लो। इसके बाद देखो चिल्का, आप लोगों ने चिल्का झील के बारे में तो सुना ही होगा। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ होगी, उड़ीसा में होगी, ठीक है। उसके बाद है नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य। देखो जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ होगी, उड़ीसा में होगी। और ये क्या है, एक वर्ड सेंचुरी है, यानी कि पक्षी विहार है, ठीक है, पक्षियों के लिए स्थापित की गई है। जो माइग्रेटरी वर्ड होते हैं ना वो यहाँ आते हैं, पक्षी काफी की संख्या में, अधिक संख्या में यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए स्थापित की गई है, पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है, कौन सा, चिल्का। अब ये सबसे अलग है ना, तो इसलिए पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। जो चिल्का है वो क्या है, एक प्रकार का पक्षी विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। आद्र भूमि में भी हमने पढ़ा था ना चिल्का के बारे में, चिल्का झील के बारे में, याद है कुछ, वेटलैंड, आद्र भूमि, हाँ ठीक है। चलो अगला क्या देख रहे हैं, नेत्रावली, क्या, नेत्रावली, नेत्रावली वन्य जीव, ठीक है, अभयारण्य। ये कहाँ पर है, गोवा में, कहाँ स्थापित किया गया है, गोवा में। एक हमने गोवा में भी एक और पढ़ा था, कौन सा देखा था, मैडी, मैडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, और नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। इसके बाद है पखुई, इम्पोर्टेंट है ये, कुछ एग्जाम में पूछ भी लिया गया है पखुई, ठीक है। पखुई को और क्या बोलते हैं, पक्के, क्या बोलते हैं, पक्के। इसके दो नाम है, पखुई से भी पूछ लिया जा सकता है और पक्के से भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। पखुई, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्के वन्य जीव अभियान कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश, इम्पोर्टेंट है, इसको रटी लेना। इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़े लिखे है, ठीक है। देखो पखुई, पखुई कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, पक्के वन्य जीव, इसको पक्के भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर है लीपासरा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, लीपासरा। आप लोगों ने इनके नाम नहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे ना, तो ये अभी नए बने हैं, और जो नए बने होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एक दो सालों के अंतर्गत ही बने हुए हैं सारे। तो लीपासरा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, लीपा जो असरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद चंबल और सोन तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक याद रखना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, कौन सा, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि इसको तीन जो अभयारण्य है ना, ये अभी हाल ही में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, दो तीन को मिलाकर, ठीक है। अभी बताऊंगी दो तीन कौन कौन से हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, थीके? तो इसको भी सम्मिलित किया गया है, जो अभयारण्य था इसको। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। जब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाएंगे ना तब अच्छे से बताएंगे, अभी आप सेंचुरी के बारे में याद करो बस, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, इसका नाम रटी लो, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। नेत्रावली तो मैंने बताई थी, गोवा में है, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है नेत्रावली गोवा में, क्योंकि यहाँ पर चीते के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ब्लैक चीते के बारे में सुना है क्या, ब्लैक तेंदुआ, सॉरी चीता नहीं, तेंदुआ, तेंदुए के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तेंदुआ आता है, ठीक है, और फिर क्या, वो कुत्तों, कुत्तों को खाता है तेंदुआ,
हाँ कुत्तों को बहुत खाता है वो, ठीक है, हाँ सबको ही खा लेता है, लेकिन उसको कुत्ते पसंद होते हैं। अब क्या है, ये जो नेत्रावली है ना, नेत्रावली, ठीक है, इसमें है ना तेंदुए को देखा गया था, और कैसा तेंदुआ देखा गया था, ब्लैक तेंदुए को, ठीक है, पहली बार ब्लैक तेंदुए को देखा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो नेत्रावली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें सबसे पहले किसको देखा गया था, ब्लैक तेंदुए को, ठीक है, याद रखना, इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रख लेना ब्लैक तेंदुए को। और ये कब देखा गया था, 2020 में, ठीक, 2020, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वो मैं यहाँ पे उन्हीं को लिखा है जो 1-2 सालों में जिसमें कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि जो करंट में पूछी जाती है ना, तो ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं जो 1-2 साल में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ किसी में कुछ हुआ हो, ठीक। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है गोवा में स्थित है, उसमें पहली बार 2020 में जो ब्लैक तेंदुआ है ना उसको देखा गया था, काले तेंदुआ को, ठीक है, याद कर लेना। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं, जल्दी बताओ। जंगली गधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कहाँ पे, गुजरात में। मेडी कहाँ पर है, चिल्का, उड़ीसा। नेत्रावली गोवा, उसके बाद केन, सोन, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो सारे पूछूंगी ना तो टाइम नहीं रहेगा, मुझे और भी चीजें पढ़ानी है। अब देखो, अब हम क्या देख रहे हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, हमने सेंचुरी पढ़ ली, इतनी महत्वपूर्ण है तो 567, लेकिन सारी हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है, जिनमें से कुछ ना कुछ चीजें आई हुई कभी ना कभी संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो वही मैंने आपको बताई है, इतनी रटने की जरूरत नहीं है, नेशनल पार्क रट लो, नेशनल पार्क से काम चले आता है, सेंचुरी इतनी सफिशियंट है, ठीक। अब क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, किसी को नॉलेज है क्या, बताओ, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, तो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, हमारी जो जैव विविधता है ना, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, ठीक है, तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, वो ऐसे क्षेत्र है जो हमारी जो जैव विविधता है ना, बायोडायवर्सिटी, उसको मेनली संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए, सभी हमारी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक ऐसे क्षेत्र है जो हमारी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है ना, हमको उसमें याद क्या रखना है, जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उनको मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कोई एरिया है, ठीक है, उसको हमने क्या घोषित कर दिया, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन 3 भाग, उसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है केंद्रीय भाग, बीच का सबसे अंदर का भाग, केंद्र का भाग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर रीजन, क्या बोलते हैं, कोर रीजन, और इसको क्या बोलते हैं, इनर जोन, पहले नाम देखो डायग्राम से बताती हूँ बाद में। सेकंड क्या होता है, बीच वाला, जिसको क्या बोलते हैं, बफर जोन, क्या बोलते हैं, बफर जोन, और क्या बोलते हैं, मिडिल जोन, ठीक है, और जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन, आउटर जोन या ट्रांजिशन जोन, ठीक है, अभी इनको क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगी। देखो कोई भी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, देखो कैसे, ठीक, ये कोई क्षेत्र है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, ये जो अंदर का भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर रीजन, क्या बोलते हैं, कोर रीजन, ठीक है, कोर, कोर मतलब सेंट्रल रीजन, सबसे अंदर का क्षेत्र है, देखो ये दिख रहा है, कोर रीजन, इनर जोन, ठीक है, सेंट्रल जोन, ठीक है, सबसे अंदर का क्षेत्र होता है, उसके जो बाहर वाला क्षेत्र, अगला क्षेत्र देख लेते हैं, ये वाला, ये कौन सा है, मिडिल जोन है, बीच वाला है ना, ये सेंट्रल जोन, जिसको क्या बोलते हैं, कोर, ये क्या है, मिडिल जोन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बफर, क्या बोलते हैं, बफर, बफर जोन बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें लिख लिया बी से बफर, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक, इसको हमने क्या लिखा, बफर जोन, ठीक है, और जो सबसे बाहर आपको ये वाला दिख रहा है, जो ये वाला जोन, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, सबसे आउटर है ये, कौन सा जोन है, सबसे बाहरी क्षेत्र है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, आउटर जोन। आउटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर है, कहाँ पर है, ये सबसे बाहर है। रुको इसको क्लीन ही रखती हूँ मैं, इसको मैनिपुलेशन जोन भी बोल सकते हैं, इसको ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हैं। आउटर तो है ही सबसे बाहर है, तो कोई भी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें कितने क्षेत्र होते हैं, तीन, सबसे आउटर जोन, मिडिल जोन और सेंट्रल जोन, ठीक है। जो केंद्रीय बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर, क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है, इनर जोन, सेंट्रल जोन, ठीक। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल जोन या बफर जोन, क्या बोलते हैं, मिडिल जोन या बफर जोन, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाला है आउटर जोन, उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन और ट्रांजेक्शन जोन, ठीक है। अब देखो, सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसमें क्या है, हम कुछ भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, क्या होती है, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। आप यहाँ पर होटल स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो आउटर जोन है ना, इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की क्या होती है, अनुमति होती है, ठीक है। तो इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन, ठीक है, मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन जोन। और इसमें आ जा सकते हैं, हमारी अनुमति है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये रहा, समझ में आ गया इसको क्यों बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, बफर जोन, क्या होता है, बफर जोन। अब इसको बफर जोन क्यों बोलते हैं, बीच का पार्ट है, इसको बफर जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है सीमित मात्रा में, जैसे कि रिसर्च वगैरह के लिए जाना है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सकते, कुछ होटल स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री तो छोड़ो, होटल का था, ठीक है, होटल स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसर्च के लिए जाया जा सकता है, अनुसंधान वगैरह की क्या होती है, अनुमति होती है, उसको क्या बोलते हैं, बफर जोन, ठीक है। एंड सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है वो सेंट्रल वाला, कोर वाला, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, याद रखना, ठीक है, अंदर वाले में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ मानवीय गतिविधियों की, जैसे अनुसंधान वगैरह, रिसर्च के लिए उनकी अनुमति होती है। एंड जो आउटर जोन होता है उसमें क्या होता है, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, ठीक है। इनके नाम है ये पूछ लिए जाते हैं, सेंट्रल जोन या इसको क्या बोलते हैं, कोर रीजन, ठीक है, मिडिल जोन को क्या बोलते हैं, बफर रीजन, और आउटर जोन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन, ठीक है, याद रखना, यही पूछे जाते हैं। अब जो हमने क्या देखे, हमारे जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखे ना, बायोस्फीयर रिजर्व, तो कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, ठीक है, भारत में, भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से अगर हम देखें ना, 12 क्या है, यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को, यानी कि जो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, उनको यूनेस्को की MAV लिस्ट, कौन सी होती है, MAB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को की जो लिस्ट है MAV सूची में सम्मिलित किया गया, ये पूछ लिया जाता है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की MAV लिस्ट में शामिल किया गया है। MAV का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व को, पहले 11 थे, अब कितने हो गए हैं, 12, याद रखना, ठीक है। तो यूनेस्को की जो MAV की लिस्ट है उसमें हमारे भारत के जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, ठीक है, हाँ अभी बताएंगे सारे, ठीक है। इसमें 12 ही है, जो 18 टोटल है ना वो मैंने नहीं लिखे हैं, जो 12 है ना MAV लिस्ट में शामिल किए गए हैं, वो महत्वपूर्ण है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो है। तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, ठीक है, जिसमें से 12 को यूनेस्को की MAV सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, विश्व विरासत की सूची होती है, MAV लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूफ से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पूछ लिया जाता है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, जो यूनेस्को की जो सूची है उसमें 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं,
देखो ये कई बार पूछ लिया गया है, कौन सा, नीलगिरी वाइस पे रिजर्व, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो पहला वाइस पे रिजर्व कौन सा है जो एमएबी लिस्ट में शामिल किया गया है, कौन सा है, नीलगिरी वाइस पे रिजर्व, कौन सा, नीलगिरी वाइस पे रिजर्व, ठीक है, याद रखना नीलगिरी वाइस पे रिजर्व, चूंकि ये पहला था इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नीलगिरी वाइस पे रिजर्व ये किन राज्यों में स्थित है, ये जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन राज्यों में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी जो वाइस पे रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, तीन राज्यों में स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, और ये महत्वपूर्ण है, पहला है इसलिए पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, और किस राज्यों में ये भी पूछ लिया गया है, तो याद रखना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हमारे जो दक्षिण है ना ये, तो ये क्या है, केरल, कर्नाटक और ये क्या, तमिलनाडु, मतलब ये पूरा जो तीन क्षेत्र है ना राज्यों का क्षेत्र इसमें है, ठीक है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सा वायस पे रिजर्व है, नीलगिरी वायस पे रिजर्व, ये डेट वेट आप याद कर लेना, ये तो याद करने का चीज है। अगला क्या है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, एक मन्नार मरीन अलग है, ठीक है, मन्नार मरीन ये है, एक क्या है, मैंने बताया था कल मरीन नेशनल पार्क बताया था, वो कहाँ पर था, गुजरात में, कहाँ पे था वो, गुजरात में, याद रखना ये पूछे जाते हैं और ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं। ये क्या है, मन्नार मरीन, इसको बोलते हैं मन्नार मरीन भी बोलते हैं, ठीक है, मन्नार मरीन या मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और वो क्या है, मरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है, कच्छ में, ठीक है, याद रखना वो वाला कौन सा था, मरीन, कौन सा था, मरीन, ठीक है, और ये क्या है, मन्नार मरीन, इसको हम कभी कभी मन्नार मरीन भी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी लिखा है ना, इसका नाम एक और है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना मन्नार मरीन, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अभी हाल ही कुछ समय पहले की वो है बात, अभी एक एग्जाम हुआ था ये सेट का, एमपी सेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है ना एमपी सेट, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें ये पूछा गया था मन्नार मरीन, ठीक है। अब बताओ ये किसी में भी पूछ लिया सकते हैं, आजकल ना एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था ये, नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में पूछा था कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है नंदा देवी, उत्तराखंड, कल हमने पढ़ा था ना, ये पूछा गया था, मन्नार मरीन पूछा गया था, तो इसलिए एनवायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट वगैरह। चलो आगे देखते हैं, नीलगिरी कहाँ है, तीन राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसके बाद मन्नार ये खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर सुंदरवन, सुंदरवन से तो हम सभी परिचित है, कल हमने पढ़ा ही था, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे किसके वृक्ष पाए जाते हैं, बताया था ना जिसके कांड इसको सुंदरी, ठीक है, बस ये जो वृक्ष होते हैं ना उनकी जो रूट होती है ना वो क्या ऊपर की ओर निकली रहती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोपोर, ठीक है, हाँ वो रूट निकली रहती है, हाँ वो रेस्पिरेशन करते हैं उनसे, ठीक है, देखना कभी गूगल पे उनका डायग्राम। चलो अगला क्या है, नंदा देवी, ये मैंने अभी बताया था नंदा देवी, और ये पूछा गया था अभी एमपी सेट के एग्जाम में, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो बायस पे रिजर्व है ना, 12 तो है, इनको अच्छे से रट लेना, ये पूछे आ सकते हैं, ठीक। फिर ये क्या है, नौकरेट, ये नेशनल पार्क में ही बताया था आपको नौकरेट, और क्या था मेघालय में, बाल फकराम, दो थे ना, नौकरेट और बाल फकराम, याद रखना, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। फिर क्या है, पचमढ़ी, कौन सा, पचमढ़ी, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, तो इसको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड एंड कौन कोई सा भी एग्जाम हो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर है सिमलीपाल, ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार में आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कई सारे द्वीप है, तो उसमें एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसमें स्थापित है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, ग्रेट निकोबार, हाँ ठीक है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में ही है, मैन क्या है, ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, ठीक है, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो वो क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है, उसके कई पार्ट है, ग्रेट निकोबार, मध्य निकोबार, दक्षिणी, ठीक है, हाँ। तो ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में, ठीक है, ग्रेट मेनली ग्रेट निकोबार में ही है, लेकिन मैंने उसका नाम लिख दिया है जो, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान निकोबार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अचानक मार, अचानक मार भारत नहीं है, अचानक मार, अचानक मार दिया, ठीक है, अचानक मार, अमरकंटक, ये कहाँ है, दो राज्यों में है, हमारे मध्य प्रदेश में भी है और कहाँ है,
छत्तीसगढ़ में भी है। पहले छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में था तो एक ही था, अलग हो गया तो ये किसमें, दोनों में है, याद रखना। अचानक मार, ठीक है, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, और महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, अगस्त मलाई। ठीक है, कल हमने पढ़े थे सारे मलाई मलाई वाले कहां थे, तमिलनाडु में थे ना। हाँ, और अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, अगस्त मलाई, ठीक है, जो MAB सूची में शामिल है। अगस्त मलाई कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, और थोड़ा सा केरल में भी है, ठीक है, तमिलनाडु केरल, हाँ थोड़ा हिस्सा है, ठीक है। फिर एक कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, चोटी का नाम भी है कंचनजंगा, वो कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है, याद रखना। पन्ना, पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्या है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको MAB की सूची में शामिल किया गया है। MAB का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। MAB का फुल फॉर्म क्या होता है, MAB, इसको बोलते हैं मैन एंड ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बाद देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट डे आपको बताया था, जब बताया था कि जैव विविधता के अंतर्गत इन सीटू एक्स सीटू में, तब आपको बताया था पवित्र उपवन के बारे में, बताया था पवित्र उपवन क्या होता, बताया था कि कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उनकी आदिवासियों की, जो जंगल में रहने वाले वनवासी होते हैं उनकी उससे क्या आस्थाएं जुड़ी रहती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ पत्ती या फूल को अगर हम तोड़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या किसी देवी देवता से आस्था से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, और जिसमें जीवों को, बाकी वनस्पतियों को क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है, और उस क्षेत्र से किसी अगर एक पत्ता भी है ना उसको भी तोड़ने को वो क्या पाप समझते हैं, क्या समझते हैं, पाप समझते हैं कि अगर हमने ये तोड़ लिया तो उस क्षेत्र से तो हमारे देवी देवता क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, अब इसमें भी क्या उनकी आस्था से तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसके कारण क्या है संरक्षण भी प्रदान किया जाता है, ठीक है, जीवों को। तो क्या है, पवित्र उपवन, ठीक है, स्कॉट ग्रुप बोलते हैं इनको। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, स्व स्थाने, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्व स्थाने, ठीक है, जो कंजर्वेशन की विधि है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू, ठीक है, नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़े ना। अगला क्या है जिसको हम बोलते हैं पवित्र उपवन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आते हैं, पूछ लिया सकता है इनमें से कौन सी विधि इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत है, नेशनल पार्क सेंचुरी, ठीक है, उपवन वगैरह, या ऑल ऑफ, तो क्या करेंगे, ऑल ऑफ, सारे ही है, याद रखना। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे पूजा स्थल के आसपास, कोई पूजा स्थल है उसके आसपास का ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, फॉरेस्ट क्षेत्र होता है जिसमें जो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, आदिवासी समुदायों द्वारा। अब जंगल में कौन रहेंगे, जंगल में रहने वाले वनवासी यानी आदिवासी, ठीक है, तो उनके द्वारा संरक्षित क्षेत्र होते हैं, पवित्र क्षेत्र होते हैं, जिसमें से किसी भी वृक्ष की शाखा, फूल, पत्ती, शाखा लिखा है, ब्रांच लिखा है, यानी कि किसी भी वृक्ष की कोई भी चीज को, किसी भी हिस्से को तोड़ना क्या है, पाप माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र तो है ही, और ये क्या है, धार्मिक दृष्टि से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे भारत में कौन कौन से पवित्र उपवन है, और इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में कौन से पवित्र उपवन है, ठीक है, इनको देखेंगे, ठीक। ये भी एक बार UPSC के एग्जाम में पूछा गया था, पता है, पवित्र उपवन क्यों, जब उसमें आ गया तो आप और किसी के में नहीं आ सकता क्या, सब में आ सकते हैं, पेपर तो उससे ही बनते ना जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, हमारे कर्नाटक में कौन कौन से पवित्र उपवन है, उनके नाम, ये नाम पूछ लिए जाते हैं, ये क्या है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है, पवित्र उपवन है, ये नाम क्या है, देवर काड़ू, ये नाम है इनके, एक बार याद कर लेना, देवर काड़ू, नहीं तो सोचोगे ये क्या है देवर काड़ू, ठीक है, देखिए तो आप लोग कहोगे तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ये तो कुछ है ही नहीं, देवर काड़ू पता नहीं क्या है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, देवर काड़ू।
फिर नागवन और नागकुडू, ठीक है, ये क्या है, पवित्र उपवन है, ठीक है, ग्रुप से क्या है, कर्नाटक में है, कौन कौन से, देवरकाडू, नागवन और नागकुडू, ठीक है। हाँ, ये आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे ये उपवन, ठीक है, इसलिए इनको नोट कर लो, थोड़े से ही है, बस इतने 5 है, एमपी का और बता दूंगी क्योंकि एमपी में आप लोग हो इसलिए। देखो अगला क्या है, राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से है, जोगमाथा, सरणवन, ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से उपवन है, ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जोगमाथा, सरणवन, ठीक है। फिर बिहार, बिहार में क्या है, सरण्य। अब इनके नाम इसलिए है क्योंकि ये आदिवासियों द्वारा स्थापित है, तो इनके नाम थोड़े अलग ही टाइप के होंगे, ठीक है। हाँ, वनवासियों द्वारा स्थापित है ना, बस सरण्य, ठीक है। अगला क्या, उड़ीसा में कौन सा है, जहेर, ठीक है, जहेर, भाई पूछ लिए गए कई एग्जाम में। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या, राई और देवराई, राई आ गया, आप कहोगे राई तो नृत्य है, मध्य प्रदेश का राई नृत्य है ना, ऐसा कहोगे, ये तो गलत दिया है उसमें, कोई उपवन उपवन नहीं है, राई क्या है, नृत्य है, लेकिन राई क्या है, महाराष्ट्र में पवित्र उपवन भी है, ठीक है, ग्रुप्स भी है, राई और देवराई, ठीक है, ये तो हमने देख लिए। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से उपवन स्थापित किए गए हैं, तो एक है देवकूट, कौन सा है, देवकूट, नोट कर लो, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, देवकूट, मध्य प्रदेश के तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, एमपी के, ठीक, मध्य प्रदेश में क्या है, देवकूट, ठीक है। सेकंड क्या है, माटीकूट, चुप रहो, ठीक है, पहला क्या है, देवकूट, माटीकूट, बुद्धा देव, ठीक है, नोट करो, बुद्धा देव, 4 है मध्य प्रदेश को, तो पढ़ ही लेना अच्छे से, बुद्धा देव कभी भी पूछ लिए आ सकते हैं, ठीक है, देवकूट, माटीकूट, बुद्धा देव और देवस्थली, लास्ट क्या है, देवस्थली, ठीक। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, स्क्रूट ग्रुप कौन कौन से हैं, देवकूट, माटीकूट, बुद्धा देव और देवस्थली, ये 4 है मध्य प्रदेश के, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो क्या है, हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए, सेंचुरी पढ़ ली, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए, और क्या, पवित्र उपवन वगैरह ग्रुप्स देख लिए। इसके अतिरिक्त तो कहाँ, झीलों में भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि चिल्का झील देख ली, ठीक है, चलो ये हो गए, उसके आगे देखते हैं क्या ऊपर, क्या कुछ नहीं है इसमें, क्या मैंने बता दिया ना, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वनवासियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, उनके धार्मिक महत्व से जुड़े होते हैं, ये तो उसके लिए अगर कोई रिटर्न एग्जाम में लिख रहा हो, उसके लिए अच्छी डेफिनेशन है, रिटर्न एग्जाम में लिखना हो, 3 नंबर का कोई एग्जाम हो जिसमें प्रीवेंस वगैरह सब होता है, हाँ, और जो ऑब्जेक्टिव वाले उनके लिए वो चीज थी जो मैंने बाद में बताई, सबके लिए है। हटा दो, बाकी तो आप लोग सुनो उसको, बस मैंने समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इधर देखो, ये मैंने 16 ग्रासलैंड के बारे में बताया था आप लोगों को, 16 ग्रासलैंड नेशनल पार्क बताया था, तब बताया था ना 16 ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स भी बताया था और एराविकुलम बताया था एराविकुलम तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पे क्या नीरकोलंजी जो फूल होता है वो 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है, क्या 12 साल में खुलता है एक बार, हाँ, तो नहीं मैं तो वैसा बता रही हूँ ना, 12 साल में वैसे खुलता है एक, ठीक है, नीरकोलंजी फूल, ठीक है, हाँ, वो कहां पर है, एराविकुलम नेशनल पार्क, कल मैंने बताया था, कौन सा नेशनल पार्क, एराविकुलम, ठीक है, कौन सा फूल होता है, नील कुरंजी फूल, ठीक है, हाँ, केरला में है, सॉरी, ठीक है, हाँ, ठीक है, केरल, ठीक, हाँ, केरल, ठीक है, याद रखना, 12 साल में खुलता है, 14 साल में खुला वो, ठीक है। जब ये निकलते हैं ना फूल, तो पूरे में क्या फूल ही फूल बिछ जाते हैं, उनकी रोडे है ना, पूरे में फूल ही फूल बिछ जाते हैं, इतना फूल खिलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। एक क्या छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में क्या है जो उपवन, क्या है, सारणा, जाईनाथा, ठीक है, केरल में है सर्पकाऊ, नागरकाऊ, ये आएंगे नहीं, बस ऐसे देख लो थोड़ा, तमिलनाडु वगैरह में इधर नहीं, नहीं करो, ये वाले नहीं आएंगे, वो एमपी के आएंगे, वो मैंने बता दिए। अब देखो ये महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न कई पूछ लिए आते हैं कि हाँ,
जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? इनको हिंदी में भी हॉटस्पॉट बोलते हैं, इंग्लिश में भी हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्या ये ज्योग्राफी में हॉट प्लूम पढ़ा होगा आप लोगों ने? हॉट प्लूम के बारे में नहीं पढ़ा? ज्योग्राफी पढ़ी नहीं पढ़ी? चलो जब पढ़ना तब पढ़ना हॉट प्लूम। चलो अभी ये देखते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है? उसमें भी हॉटस्पॉट हॉट प्लूम वगैरह होता है, मैग्मा वगैरह आता है ना, तब उसमें पढ़ोगे आप लोग। अब देखो क्या होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या उच्च स्तर की जो विविधता होती है, जीवों में प्रजाति विविधता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीवों में क्या बहुत सारी डायवर्सिटी पाई जाती है। जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है, और ऐसा मतलब क्षेत्र तो बहुत सारा एरिया होता है, लेकिन जो हॉटस्पॉट होते हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जीवों की विविधता, ठीक है? और कैसे जीव पाए जाते हैं? जो और कहीं नहीं होंगे, सिर्फ उसी एरिया में होंगे, ठीक है? हाँ, तो कैसे जीवों की स्पीसीज पाई जाती है वहां पर? जो और कहीं नहीं होंगे, किसी उसी स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है? जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है? यहाँ पर क्या है, विविधता बहुत पाई जाती है, जो जीव है ना प्रजातियों की स्पीसीज की विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाएंगे। और ऐसे जीव पाए जाएंगे जो संकट में है, कैसे है, उनको खतरा है, ठीक है? विलुप्त होने की कगार पर है, संकट में, ठीक है? तो ऐसे जीव पाए जाएंगे। साथ ही साथ वो जीव कैसे होंगे कि जो उसी स्थान पर पाए जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे, अन्य कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है? अब देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये तो मैंने समझाने वाली समझा दी, अब इसकी देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें उच्च स्तर की प्रजाति विविधता पाई जाती है, ठीक है? डायवर्सिटी पाई जाती है जीवों की, ठीक है? कई सारी स्थानिक प्रजातियां हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती, वो भी यहाँ पाई जाती है, बताया था? हाँ, ठीक है। और क्या, जो संकट ग्रस्त स्पीसीज है, मतलब जिन स्पीसीज को क्या है, खतरा है, ऐसी प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है? अब जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है हमारे भारत में टोटल, मतलब ओवरऑल अगर देखें भारत में कितने, ओवरऑल जो पूरा जो वर्ल्ड है संसार में कितने हैं, किसी को नॉलेज है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है हमारे भारत में कितने हैं? नहीं पता? चार है। कितने हैं? चार। और ओवरऑल अगर देखें ना पूरे वर्ल्ड में संसार में, वो कितने हैं? 36। पहले 35 हुआ करते थे, फिर उत्तरी अमेरिका में एक कोस्टल क्षेत्र है, ठीक है, टटी कोस्टल रीजन, उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। जो 36वें नंबर का है ना, 36 नंबर का, वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन है, ठीक है, कोस्टल जोन, कोस्टल रीजन, उसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है, 36वें नंबर का है। ये याद नहीं रखना है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि कहाँ का है ये, नॉर्थ अमेरिका का है, इधर बस, ठीक है। तो जो हॉटस्पॉट है वो कितने हैं? 36 हैं, जिसमें भारत में कितने हैं? 4 महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमको देखना है कौन कौन से हैं। अब देखो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होता है ना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मेयर। किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स बोलते हैं, ठीक है, मेयर मायर्स कहीं कहीं कुछ भी लिखा रहता है, मेयर्स भी लिखा रहता है, मायर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट वर्ड है वो किसकी देन है? नॉर्मन मायर्स की, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, याद रखना। शब्द के जनक कौन है? नॉर्मन मायर्स, मायर्स है, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ मायर्स, ठीक है, कई जगह मेयर्स भी लिखा रहता है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, नॉर्मन मेयर्स या मायर्स, ठीक है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द है वो इनकी ही देन है, ठीक। मैंने बताया था कि हमारा जो पूरा विश्व है ओवरऑल, ठीक है, उसमें कितने हॉटस्पॉट है? 36, जिसमें भारत में कितने हैं? 4, ठीक है। अब जो 4 है इनके बारे में कई बार पूछ लिया गया है। अब ये कहाँ कहाँ है देखो, सबसे पहले क्या है? वेस्टर्न घाट। कौन सा है? वेस्टर्न घाट, इसको देख लो, फिर मैं मैप में बताती हूँ बना के। वेस्टर्न घाट, फिर क्या है? ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, एंडो बर्मा और सुंडालैंड, इसको बोलते हैं हम क्या? वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। इधर लिख देती हूँ क्योंकि उधर मैं मैप बनाऊंगी अभी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। इसको पूर्वी हिमालय, क्या बोलते हैं? पूर्वी हिमालय, ठीक। एंडो बर्मा को तो एंडो बर्मा ही बोलेंगे, और इसको सुंडालैंड को सुंडालैंड ही बोलते हैं, ठीक है, सुंडालैंड। अच्छा ये गलत लिखा है, मैंने देखा नहीं था, सुंडालैंड, क्या इसको बोलेंगे? सुंडालैंड, प्रिंटिंग मिस्टेक है,
सुंडा लैंड, ठीक। अब मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ मैप में कहाँ कहाँ है इंडिया में ये चार चीजें। क्या बता रही हूँ ना कहाँ है, इसका नाम एंडोवर मैप, वही तो बता रही हूँ। नहीं, एंडोवर में ही बोलते हैं। कहाँ? नहीं, ये है हिमालय क्षेत्र का, तो ये एंडोवर में अलग है। इधर देखो, इधर वो प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें भी तो हो सकती है ना, जैसे यहाँ पे सुंदरवन की थी उसमें भी हो सकती है। बस इधर देखो, वो नीचे थोड़ा जा नहीं रहा है, बस समझने के लिए देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो क्षेत्र है ना पूरा, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ईस्टर्न हिमालय। क्या है? पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय, ठीक है, ये क्या है? पूर्वी हिमालय, इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हिमालय। ई एच लिख दिया है मैंने, जगह नहीं है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। अगला क्या है? ये क्या है? वेस्टर्न घाट। क्या है ये? वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। उसके बाद देखो, ये यहाँ पे ये अंडमान निकोबार के बारे में देख, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना हो तो मैप में एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ये क्या है? हमारा जो हिमालय है ना, जब हिमालय आगे जाता है तो वो अराकानियोमा के बारे में सुना है? अराकानियोमा, अराकानियोमा जो पर्वत है वो अंदर चला जाता है और पानी के ऊपर निकला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। ज्योग्राफी पढ़े पढ़ोगे जब आप लोग अपने टीचर से, सर से, तो उनसे आराम से पूछ लेना, ठीक है। हाँ बस, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ठीक है, और ये इधर म्यांमार वाला क्षेत्र, ठीक है। दूसरा पेन ले लेती हूँ, नहीं तो सब एक ही जैसा हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? एंडोवर्मा। कौन सा है? एंडो वर्मा, वर्मा क्या? म्यांमार, ठीक है। हाँ एंडो वर्मा, ठीक है, ये एंडो वर्मा, ठीक है इधर। और ये जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? सुंडालैंड। क्या है ये? सुंडालैंड, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, सुंडालैंड, SL, ठीक। बस बस बस, ठीक है। तो कौन कौन से जो हॉटस्पॉट है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में, कितने? चार हैं। ओवरऑल कितने हैं? 36 हैं विश्व में। चार कौन कौन से नाम पूछे जाते हैं? पूर्वी हिमालय, ठीक है, एंडोवर्मा, सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। अच्छा, साइलेंट वैली जो मैंने आपको बताया था, साइलेंट वैली वो कहाँ पर है? केरल में। तो वो क्या? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पर केरल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता। बताया था सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल में, ठीक है। ओवरऑल मैंने कहाँ बताया था? ब्राजील, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? जैव विविधता के हॉटस्पॉट, ठीक है। अच्छा बताओ, जैव विविधता वर्ड किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। मैंने आपको बताया था जैव विविधता वर्ड किसने दिया था? बायोडायवर्सिटी, जैव, WG रोंजन। हाँ रोंजन ने। और फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी किसको बोलते हैं बताओ? फादर, अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। हाँ नाम याद रख लेना, ये क्या है? एडवर्ड ओ विल्सन, ये क्या है? फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने दिया था? WG रोंजन, ठीक है। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स, ठीक है। ये तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल मैं आप लोगों को कराऊंगी कि जो टाइगर रिजर्व वगैरह प्रोजेक्ट टाइगर है, रेड डाटा बुक है, और भी जो कुछ बचा हुआ है, हाँ, कल करा दूंगी सारा, ठीक है। जो भी कुछ बचा है कल कंप्लीट करा दूंगी, अगर कुछ बचेगा तो परसों हो जाएगा, परसों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ हाँ करा दूंगी, चलो ठीक है।